शहर का सबसे बड़ा मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल मेडफोर्ड। We thrive to offer healthcare in an accessible and economic manner that contributes to our patients' physical, physiological and spiritual well-being. Logon ki zarurat ko nazar rakhte hue hamare highly curative infrastructure mein 6 OPDs, 4 operation theater, 24/7 casualty, 6 deluxe, semi-deluxe aur suite rooms TV aur Wi-Fi ke saath uplabdh kiya gaya hai. हमारी डायग्नोस्टिक सर्विसेज में पैथोलॉजी, 2D एको और सोनोग्राफी जैसे सर्विसेज अवेलेबल है, इंक्लूड ऑनबोर्ड डाइटिशियंस, न्यूट्रिशनिस्ट्स, एक्सेट्रा एंड रूटीन वैक्सीनेशंस अगेंस्ट डिजीजेस सच एज मीसल्स, पोलियो, फ्लू शॉट्स एंड अदर वैक्सीन्स। और यही नहीं, मुम्ब्रा की बड़ी समस्याएं जैसे कि एडिक्शन और ऐसी ही बीमारियों के लिए भी प्रिवेंटिव एंड रिहैबिलिटेटिव सर्विसेज अवेलेबल की गई है। हमारा यही मुमरा कलवा में टोरेंट 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 नहीं, ये मजाक बन चुका है। हर कोई टोरेंट की ट्रेन पे चढ़ रहा है लेकिन टोरेंट को रोक नहीं पा रहा है। सिंधे गुट के अनवर कच्ची लेकर पहुंच गए मेमोरेंडम CM एकनाथ शिंदे जी के पास। मेमोरेंडम में ये लिखा था टोरेंट की दादागिरी नहीं, टोरेंट कौन भगाएगा ये मुद्दा है जनता का। अनवर कच्ची ने अपने हिसाब से CM साहब तक निवेदन पहुंचा दिया है। कल CM साहब थाने जिले के दौरे पे थे, कई उद्घाटन करने थे उनको, और कलवा शिवाजी अस्पताल के पास उन्होंने हॉस्पिटल के अंदर लेबर वार्ड का ओपनिंग किया। उसी से सटा हुआ एक उड़ान पुल है, उसी के नीचे गार्डन बना हुआ, गार्डन की भी ओपनिंग की है CM एकनाथ शिंदे जी ने। लोगों ने दादागिरी के ऊपर तो बहुत बातें कह ली, बहुत धरना कर लिए, बहुत मोर्चा निकाल लिए। अब नेताओं से हमारी गुजारिश है टोरेंट भगाने की बात कहें, टोरेंट को भगाने वाले मेमोरेंडम दें। किस तरह से लोग अपने अपने तरीके से निवेदन दे रहे हैं टोरेंट कंपनी को, किस तरह से वहां का लेबर वार्ड की ओपनिंग हुई, वाटर सरंग का ओपनिंग, और उसी से सटे एक उड़ान पुल है, उसी के नीचे गार्डन का ओपनिंग, कई सारे प्रोग्राम्स किए उन्होंने, क्या कुछ कहा अनवर कच्ची ने मेमोरेंडम देने के बाद, आइए देखिए हमारी इस खबर में। मैं जो लेटर दिया हूं मुख्यमंत्री साहब को, वो मुमरा कलवा खारेगांव दीवा के अंदर जो टोरेंट की दादागिरी चालू है, उस दादागिरी के बारे में मुख्यमंत्री साहब से मांग की है कि ये जो टोरेंट की दादागिरी है 12 घंटा 24 घंटा 48 घंटा कहीं कहीं तो 70 घंटा भी लाइट का ये लोग शटडाउन कर रहे हैं, और इनकी इतनी दादागिरी हो गई है कि अगर हम मीटर मांगने जाते तो मीटर देते नहीं है, और अगर डायरेक्ट आदमी लगाता है तो उसके ऊपर विजिलेंस के केस लगाता है। आदमी पैसे भरने के बाद में दो दो तीन तीन महीने मीटर देते नहीं है। PD का इनका मसला है, PD के पैसे भरो तो मीटर देंगे। यानी कम से कम 8-10 ऐसे पॉइंट है जिसको मैंने मुख्यमंत्री साहब को दिया है और उनसे निवेदन किया है कि टोरेंट को मुमरा कलवा से हद बार करो और हमको MSC भी चाहिए। शमीम खान साहब की तो बात ही अलग है, अभी उनके देखे होंगे न्यूज़ में अलग अलग ये रहते, कभी वो अपनी लाश पे से लेके जाते हैं, अब बोलते कि टोरेंट नहीं जाएंगे तो मेरी लाश नहीं, वो अभी भी मरने के लिए तैयार है, अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है वो हरदम मरने के लिए तैयार रहते हैं। और उनके जो तुमको देखना है तो उनके फेसबुक के कमेंट देखो कैसे आ रहे हैं, ये सब अब इनको ऐसा हो गया है कि पिछले दिनों जो टोरेंट के खिलाफ काफ़ी लोगों की रोष आया है, अब NCP के और शमीम खान को मालूम है कि इनकी जमीन खसक गई है, तो अभी ये टोरेंट के पीस के लिए लगा है, टोरेंट को लाया किसी ने, तो मैं वही बोलता हूँ जब शिवसेना की सरकार आती, BJP की सरकार आती है तभी ये खड़े होके बोलते कि टोरेंट को हटाओ,
जब इनकी सरकार थी तो ये क्यों नहीं हटा है? तुमको मालूम होएगा, वो वीडियो भी आपके पास होएगा। सरकार तो बाद में, लेकिन जब टोरेंट कलवा मुमरा में आएगी उस वक्त तो आपकी सरकार थी ना। टोरेंट देखो जब तक आई नहीं थी, जब ये एमएलए का इलेक्शन चालू था तभी जितेंद्र आवार साहब ने चौपाटी के ऊपर खड़े रह के कहा था कि हमारी सरकार आएंगी तो हमको टोरेंट को आने नहीं देंगे। फिर इन्होंने बयान बदली किया कि बोले नहीं ये तो पिछली सरकार ने किया था, तो पिछली सरकार ने किया था तो अभी लोकसभा ये विधानसभा में बोलने की क्या जरूरत थी। देखो टोरेंट को तो मुमरा से जाना ही है, 100% जाना है, मगर अभी ये कुछ ना कुछ क्रेडिट लेना चाहते है कि अभी चलो इसके अंदर हम भी हाथ धो ले। मुमरा में टोरेंट को क्यों लाए थे कि पावर के अंदर सुधार होगा, वो हुआ नहीं। और इनके मीटर ये जो लगाने बोलते हैं कि इनके मीटर 35% फास्ट है, जो लोगों के 800-900 बिल आ रहे थे उनके आज 3-4 हजार रुपए बिल आ रहे हैं, तो इतना फास्ट बिल है इनका। और इनकी सर्विस कोई बराबर नहीं है, अगर एक छोटा सा डीपी बदली करने के रहते तो 12-14 घंटा लाइट बंद करते इन लोग, जबकि 4 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर बदली हो जाता है। ये इनकी सर्विस है, ये टोरेंट मुमरा के अंदर फेल हो चुकी है और इनको जाना ही जाना है। देखो मुख्यमंत्री साहब को लेटर दिया, विज्ञापन दिया है, अब इसके बाद में खासदार साहब से भी मेरी बात हुई, खासदार साहब बोले तू आ अपन बैठ के ऊपर इसके ऊपर चर्चा करेंगे, और मेरी ये पूरी कोशिश रहेंगी कि मुमरा से टोरेंट जावे। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें।